नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही बढ़िया खबर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इस स्टूडियो में। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों ने कुछ दिनों पहले ही झारखंड राज्य फसल राहत योजना में रजिस्ट्रेशन अपना कराया था, ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था। टोटल 23 लाख किसानों ने इसमें पंजीकरण किया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 17 लाख किसानों ने आवेदन किया था। बहुत सारे किसानों का आवेदन नहीं हो पाया था सर्वर प्रॉब्लम के कारण से एवं अन्य कारणों से, और किसानों का ईकेवाईसी भी बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सरकार ने अपना कदम उठा दिया हुआ है। हालाँकि जिनका केवाईसी हुआ है, जिनका आवेदन हुआ है, लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं, मैं यहां पर हेमंत सोरेन जी का ट्विटर हैंडल ओपन किया हुआ हूं, झारखंड के मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल है ये। और यहाँ पर देखिए, आप लिखा हुआ है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की सुखाड़ से संबंधित समीक्षा बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सुखाड़ प्रभावित घोषित करने के लिए निर्णय लिया गया है, और उक्त प्रखंडों के प्रभावित किसान परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार की अग्रिम राहत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी हर परिवार को 3500 रुपये दिया जाएगा। ध्यान रहे, परिवार को, प्रति व्यक्ति की बात नहीं हो रही, प्रति परिवार को 3500 रुपये दिया जाएगा। सूखा घोषित कर दिया गया है, इसमें क्या राशि प्रदान होगी क्या नहीं होगी वो बाद की बात है, अभी आपको 3500 रुपये दिया जाएगा। फिर इस सुखाड़ के अनुसार से जो राशि होगा कैलकुलेशन के अनुसार से वो तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन 3500 रुपये आपको अग्रिम राहत राशि के रूप में सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी, और उसके बाद फिर सुखाड़ के परसेंटेज के आधार पर अगर कुछ होता है तो फिर आपको अलग से दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा गया है हेमंत सोरेन जी के द्वारा, मैं वही आपको यहाँ पर पढ़कर सुना दे रहा हूँ। उक्त प्रखंडों के प्रभावित किसान परिवारों को 3500 रुपये प्रति परिवार की अग्रिम राहत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, मतलब 3500 रुपये प्रति परिवार आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से अन्य भी ट्विटर हैंडल को अगर आप चेक करेंगे, बादल पत्रलेख जी का, तो वहां पर भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि तमाम मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो यहां पर है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख जी, इनका भी ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। और तो इन लोगों ने ये निर्णय लिया हुआ है कि 3500 रुपये जो है वो अग्रिम राशि के रूप में दी जाएगी जिन जिन किसानों ने इस पोर्टल पर आकर के अपना आवेदन दिया हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रभात खबर को भी दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, प्रभात खबर में ने भी लिखा हुआ है कि 226 प्रखंडों में को सुखाग्रस्त घोषित किया गया है 22 जिलों में, मतलब 22 जिलों, झारखंड में कुल मिलाकर के 24 जिले हैं जिसमें 22 जिले को जो है वो सूखा घोषित कर दिया गया है, 2 जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। 22 जिलों के 226 प्रखंडों में जो है वो इसको सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, और इसके लिए 1200 करोड़ रुपये जो है वो सरकार व्यवस्था कर रही है, और सभी किसानों को जो है वो 3500 रुपये प्रति परिवार के रूप में आपको दिए जाएंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ झारखंड सरकार का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। आपको मैं लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ कि किन किन जिलों के किन किन ब्लॉक को जो है वो सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो जब आप यहाँ पर इस लिंक पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला जो है वो एक डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा वर्ड फाइल। मैंने इसे डाउनलोड करके ओपन कर रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय प्रेस विज्ञप्ति रांची दिनांक 29/10/2022। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, और बैठक में अधिकारियों के साथ राज्य में सुखाड़ को लेकर के कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे का आकलन प्रतिवेदन पर विचार विमर्श किया गया, और राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, और 22 जिलों के 226 प्रखंडों में प्रति किसान परिवार को 3500 रुपये जो है वो तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, और राज्य के लगभग 30 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को इसका लाभ मिलेगा। 30 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी हेमंत सोरेन की सरकार। और अब मैं आपको वो लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य के सूखा प्रभावित 22 जिलों के 226 प्रखंडों की सूची इस प्रकार से है, जरीडी, कसमार, पेटवार, बमिया, बेरमो, नावाडी, कान्ही चिट्टी, सिमरिया, तंडवा, मयूरहंड,
सारवा, सारठ, करों, देवघर, मोहनपुर, सोनाराय ठाड़ी, मधुपुर, पालोजरी, मार्गोमुंडा, देवीपुर, गोविंदपुर, इस प्रकार से आपके सामने एक बड़ा सा लिस्ट है। मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, उसके बाद आप अपने ब्लॉक को खोज लीजिए। मैं कुछ और यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, प्रखंडों का लिस्ट, 22 जिलों के 226 प्रखंडों का ये लिस्ट है, जिसमें आप अपने प्रखंड को खोज सकते हैं कि आपका प्रखंड जो है वो सूखाग्रस्त घोषित हुआ है या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आज इतना ही आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको बहुत जल्द, बहुत 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 जल्द इस योजना का लाभ जो है वो मिलने वाला है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ मिलने वाला है। जिनका केवाईसी नहीं हो पाया है, आवेदन नहीं हो पाया है, उनका क्या होगा पता नहीं, ऐसा कोई संभावना नहीं है कि वो दोबारा आवेदन भी कर पाएंगे। हालांकि केवाईसी भी अभी नहीं हो रहा है, सरकार ये सारे कदमों को एक तरफ उठा रही है, दूसरी तरफ सरकार जो है वो इन चीज़ों को लेकर के कोई मजबूत या ठोस रास्ता नहीं निकाल रही है कि किसानों का ई केवाईसी नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, या पंजीकरण का भी डेट उनको एक्सटेंड करना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए जो है वो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत प्रकार के सवाल हैं, बट फिर भी हम आपको सिर्फ सूचना दे सकते हैं, बाकी हम अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।